और देख लें फरवरी की आज जो है 17 तारीख है, 16 तारीख है, सॉरी सॉरी नाजी, एक दिन आगे बढ़ा दिया मैंने, 16 तारीख है। और अभी कल की लगता है बात के न्यू ईयर यानी नया साल शुरू हुआ 2024, कहते हुए भी अजीब लग रहा है। वैसे अभी भी लिखने में आप 23 लिख देते हैं जल्दी में, फिर आप कहते हैं नहीं यार 23 नहीं 24 है। तो इसको कहते हैं वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, और इस वक्त को जाहिर है इसको रोक तो सकते नहीं है, लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। टाइम की पाबंदी, टाइम से चीज़ें करना, टाइम मैनेज करना, किस तरीके से आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करते हैं। तो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 0514102357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान ने अपना पहला सिक्का यानी कॉइन कब जारी किया। कॉइन्स जो हैं अब आप देख लें, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन्स हैं और चलते हुए आ रहे हैं पिछले कई जब से जो है सालों से, जब से पाकिस्तान बना तब से। तो ये आपने बताना है कि पाकिस्तान में पहला सिक्का यानी कॉइन जो है वो कब जारी हुआ। और इसके हवाले से कॉइन कलेक्शन भी होती है, हॉबीज़ के अंदर आता था कि मशगले जो हैं लोगों के स्टैम्प कलेक्टिंग होती थी, उसके बाद क्या कहते हैं कॉइन कलेक्शन। बहुत सारे लोग दुनिया में हर जगह पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ के जो कॉइन्स होते हैं, जिस तरह दुबई का 1 दिरहम का कॉइन है, उसके अलावा आप जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं उस वक्त तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ कॉइन्स होते थे, लेकिन अब जो है वो यूरो है। यूरो के तो खैर रुपए होते हैं लेकिन उनके भी कॉइन्स हैं। पाउंड जो है वहाँ पे पेनीज जो हैं उसके छोटे छोटे कॉइन्स हर जगह पे होते हैं। तो कॉइन कलेक्शन यानी सिक्के जमा करना भी एक बहुत ज़बरदस्त मशगला जो है वो होता था। अब पता नहीं बहुत कम लोगों में है स्टैम्प कलेक्शन। मेरे पास भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ दुनिया के स्टैम्प्स जो हैं वो मैंने एक जर्नल बनाई हुई है उसके अंदर हैं। तो ये जो मशगले थे, ये हॉबीज़ हैं, ये आपको अब भी दोबारा से अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे अब नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, लेकिन साथ साथ आप ये भी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे आप जाएं तो वहाँ के कॉइन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आज आतिफ असलम का ज़िंदगी सॉन्ग आपको सुनाएंगे, एंड आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त सुपर टैलेंटेड हैं। सिद्धूज़ आर्ट गैलरी पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स से आज हमारे साथ आशिर सिद्धू साहब होंगे, जो कि मुजस्मा साज हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं और ख़ूबसूरत जो है स्कल्पचर्स बनाते हैं, और उसके अलावा पेंटिंग्स भी है। और सिद्धूज़ आर्ट गैलरी जो है इनकी गैलरी है, अभी भी पूरी दुनिया में गैलरीज़ के ऊपर जाके पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो है आर्ट को फ़रोग दिया जाता है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। बहुत सारी मुख्तलिफ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा में ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाके खूबसूरत फन पारे जो हैं लोगों के, जो ख़ुद क्रिएट करते हैं, वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम साद कैन साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो पूरी दुनिया में मशहूर ज़माना थे। इसी तरीके से बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं, अनवर मकसूद साहब जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी राइटर हैं और साथ में नाकिद भी हैं और बहुत ज़बरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। सो आप लोग कॉल करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान ने पहला सिक्का यानी कॉइन कब जारी किया। 0514102357 पे। आयशा ने रावलपिंडी से बर्गर्स की फरमाइश की थी, तो बर्गर्स तो मैंने एक दफ़ा बनाए थे, लेकिन हम अपना लोकल बर्गर जो है, जो लोकली बड़ा मशहूर है, अंडा शामी, वो आप घर पे बैठे कैसे बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। उनकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो घर में बैठ के आप अंडा शामी कैसे। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका जो बन है वो लॉन्गर होता है, और उसको आप 2 पीस करें तो आप एटलीस्ट 2 लोग आराम से खा सकते हैं। बर्गर का ये है कि उसको शेयर करना ना, लोग थोड़े कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। सो आज वो बनाएंगे। और नाजीन आज सुबह के वक्त सर्दी थी, दोपहर में गर्मी थी, शाम में सर्दी हो गई, सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड वेदर एट द मोमेंट। सो ये मेरा आपको दिखा दूँ, ये वेलवेट है, और वेलवेट हर सर्दियों में सबसे फेवरेट कपड़ा समझा, जिसको हम उर्दू में शनील कहेंगे। ये ग्रीन है और इसके ऊपर मुख्तलिफ छोटे छोटे जो क्या कहेंगे शीशे हैं उनसे काम हुआ हुआ है, और साथ में इसकी एक बड़ी प्यारी सी शॉल भी है। सो इसमें
शेडेड है ये ग्रीन एंड डार्क ग्रीन एंड ब्लैक के साथ, ये थोड़ा सा शेड आ रहा है इसके अंदर। सो ये आप देख सकते हैं, बस ये पैक होने वाला है क्योंकि अब आने वाले अगले हफ्ते तक अनटिल अनलेस बारिश हो गई तो फिर जो है एकदम से सर्दी होगी, लेकिन अभी भी आप लोग अपने जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल के सारे ना पैक करें, फिर एकदम से सर्दी आती है या फिर बारिश होगी तो उस वक्त बीमार होने का बहुत सख्त खदशा होता है। सो कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? दारबाजन बारबाजन को मेरा ख़ास सलाम, और साथ में इरम एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम। अब आ जाते हैं नाज़रीन कुकिंग की तरफ, क्योंकि आज आप लोगों की, कल नाज़रीन बड़ा मज़ा आया उसके बाद जो मैं गई, क्योंकि एक हफ्ते बाद मैंने योगा के आसन किए थे, ऐसी कोई ज़बरदस्त नींद आई, एक हैंड भी हो गया मेरे साथ नेट के ऊपर यानी ऑनलाइन, लेकिन वो ऐसे मैंने किया क्योंकि मैंने रिलैक्स हुई हुई थी, वरना अदरवाइज होता तो मैं पैनिक में चली जाती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो आज जो है क्योंकि थोड़ा मरला बड़ा है तो मैंने कहा कि बातें कम और काम ज़्यादा किया जाए। सो आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, सर्दियां कैसी गुजर रही हैं, और अब जब मौसम जा रहा है तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरा बड़ा कोई फेवरेट मौसम है सर्दियां। एक हमारे साथ कॉलर हैं और साथ में पहन लेते हैं अपना एप्रन। एप्रन तो आपने हर वक्त पहनना है, कपड़े का एप्रन जब आप चूल्हे के सामने जाएं, ताकि आपके कपड़ों पे वो होता है ना छींटे छूटे वो ना पड़े। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं जी? सोहेब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सोहेब बात कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं आप सोहेब? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन, आप सुनाएं खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो आपने ये कॉइन है ना, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन है, 1948 में जारी हुआ था। ओके, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, और मेरे पास कॉइन की कलेक्शन बहुत ज्यादा पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, किस किस सब मुल्कों जहाँ पे भी आप गए हैं? जी जी, मैंने असल में ज्यादा ट्रेवल तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास काफी एंशिएंट पुराने दौर के कॉइन भी पड़े हुए हैं। अच्छा। ये जब ब्रिटिश रूल था सब कॉन्टिनेंट में, उस दौर के कॉइन भी पड़े हुए हैं। अच्छा, वंडरफुल। तो, जी पुराने इंडियन कॉइन्स हैं, पाकिस्तानी कॉइन्स हैं, और धर्म है काफी पुराने, मतलब के मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, अमेरिका के हैं, और मुख्तलिफ कंट्रीज के यहाँ तकरीबन 100-100 साल पुराने हैं, 150-200 साल पुराने हैं। अच्छा वंडरफुल। तो ये शौक आपको वैसे खुद से आया कि किसी को देख के इंस्पायर हुए आप? एक्चुअली मैं खुद भी, मैंने कलेक्शन की कॉइन्स की। खुद भी आपकी कलेक्शन है कॉइन्स की? जी जी, और मेरे वालिद साहब की तरफ से भी मुझे मिले, उनका भी ये शौक था कॉइन्स की, और पोस्टेजेस जो होती हैं। जी जी जी, स्टैम्प कलेक्शन भी होती थी एक जमाने में, स्टैम्प्स। वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, तकरीबन 100-100 साल पुरानी स्टैम्प्स हैं, पूरी मेरे पास बुक पड़ी है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल भाई। चले, आपकी कॉल के बाद लोग इंस्पायर होंगे कि ये भी एक ऐसा शौक है जो कि आपको काफी, जो भी हॉबी होती है वो आपको काफी और चीजों से, नेगेटिव चीजों से दूर रखती है। जी जी, उसके अलावा मेरे पास एक कॉइन पड़ा है, बड़ा पुराना कॉइन है, वो कभी दिखाने का मौका मिला तो दिखाऊंगा। ये 1747 का है या समथिंग का है ना, 17वीं ईस्वी का है। तो ये अपना ये जो है ना, इनका सिख दल का है। अच्छा, ओके, जबरदस्त। तो खालसा दल बना था उस दौर का ही है, मेरा नाम लिखा हुआ है सोहेब या जोहेब है, ZOHEIB, जोहेब मेरा नाम है। जोहेब, अच्छा, शोएब नहीं है, जोहेब है। ओके ओके, जोहेब है, यस। और मैं इधर ट्रैफिक पुलिस से, मेरा ताल्लुक है फैसलाबाद से। अच्छा, मतलब गाड़ी चला के कभी वहाँ फैसलाबाद आना हुआ तो आपसे मुलाकात हो जाएगी किसी जगह पे? जी 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 जी, बहुत सही। नहीं नहीं, दैट्स वंडरफुल। सो आप पहली दफा कॉल कर रहे हैं? मैं सेकंड टाइम कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, बड़ी हेल्दी हॉबी होती थी जी, जी। कलेक्शन की, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ी कलेक्शन है, तकरीबन 200-300 कॉइन्स हैं, जो कई उनमें से बड़े एंशिएंट हैं, 200-300 साल पुराने कॉइन्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के हैं। जबरदस्त, ये तो आपकी, मैंने तो शुरू में सिर्फ ये बोला था ना कि ये हॉबी होती थी, तो अच्छा हुआ कि आज के जमाने में आप जैसे जो यंग और टैलेंटेड लोग हैं जो कि काम भी करते हैं और साथ साथ उनकी हॉबी भी है, तो इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। जी जी जी, जबरदस्त। अच्छा, आपने जवाब भी दे दिया, कोई फरमाइश है आपकी जोहेब जी?
जी जी, एक मैंने पहले फरमाइश की थी लास्ट टाइम, वो अभी तक आपने नहीं हो सकी, पास्ता की फरमाइश की थी कि क्रिस्पी फेटुचिनी पास्ता, ओके फेटुचिनी, एक सेकेंड, फेटुचिनी पास्ता जुहेब फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वेंसडे को आप शो जरूर देखिएगा, उस दिन इंशाल्लाह फेटुचिनी पास्ता बनाएंगे, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन देख लें कि ये ट्रैफिक पुलिस में होते हैं और इनकी हॉबी है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि जब भी आप कोई हॉबी रखते हैं तो आप बहुत सारी और नेगेटिव खुराफात से दूर रहते हैं, तो अपने बच्चों को बजाय इसके फ़ोन लेके देते हैं, उनको इंस्पायर किया करें, इन्होंने अपने वालिद को देख के वो चीज़ लेगेसी में ली के वो साथ में ये करते हैं, इसी तरीके से आप लोग भी अच्छी चीज़ें करेंगे अपने बच्चों के सामने तो वो उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज बच्चों की नज़र में जो माँ बाप होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, बाहर के लोग तो बाद में बनते हैं लेकिन पहले दिन से जब वो छोटे होते हैं बड़े हो रहे होते हैं तो वो रोल मॉडल होते हैं, तो माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि उनके सामने ऐसी चीज़ें करें जो जिससे इंस्पायर हो के वो उनको फॉलो करें, बजाय इसके आप डांट डपट में टाइम गुजार देते हैं, ये ना करो वो ना करो। एक और कॉलर भी हैं नाज़रीन, सॉरी उनको लेने से पहले, शामी कबाब थे, 6 शामी कबाब हैं, इसी तरह के 6 ये 2 वहाँ रखे हुए, 6 जो है ये इस तरह के लंबे वाले जो बंस होते हैं वो आपने लेने हैं, रोल्स हैं बंस हैं ये देख लें आप गौर से देख लें। सलाद का पत्ता है, गोल कटी हुई प्याज है, साथ में गोल कटे हुए टमाटर हैं, केचप है, काली मिर्च है, नमक है और अंडे हैं, अंडों का हम ऑमलेट बनाएंगे और इसके अंदर इसी तरीके से उसको डालेंगे, आप घर में बनाएं और मज़े लेके खाएं, जब तक मैं ये फ्राई कर रही हूँ और हमारे कॉलर से ही बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, कौन बात कर रही है? मैं शादे बात कर रही हूँ। ओके बेटा, फोन और टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। किस जगह से बोल रही हैं? जी मैं जिला सरगोधा से बात कर रही हूँ। सरगोधा से बात कर रही हैं, कैसी हैं प्यारी सी, आपका नाम तो बता दें, क्या है नाम? शांति सलीम है, शांति सलीम नाम है। ओह क्या, शांजे, ओके शांजे सलीम, कैसी हैं शांजे, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से? आपका बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। किनको अच्छा लगता है? मेरी आपकी को, आपकी आपकी को अच्छा लगता है, चलो भी आपकी आपकी को मेरा खास सलाम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सारा है। सारा है, कैसी है सारा, आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम? सारा सलीम नाम है मेरा। सारा सलीम, कैसी हैं सारा सलीम, खैरियत से हैं आप? जी आंटी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या अच्छा लगता है आपको बताएं? मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपको अच्छा क्या लगता है? जी आप, मुझे आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो क्या क्या आपने ट्राई किया, क्या क्या आपने ट्राई किया? जी मेरी अम्मी आपका शो देख रही है, मेरी अम्मी को हेलो बोल दे। अम्मी को, आपकी अम्मी को मेरा खास सलाम, सलाम अलैकुम आंटी, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? आंटी मैं मानूर हूँ। अच्छा मानूर हैं, अम्मी है, अच्छा आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा मुझे सही क्लियर आवाज नहीं आ रही, आपकी वालदा को मेरा खास सलाम। अच्छा तो बेटा कोई फरमाइश है आपकी अम्मी की? जी क्या है? गुलाब जामुन, जी गुलाब जामुन बना दे। गुलाब जामुन, चलो बना दूंगी आपके लिए। क्या नाम है? शांजे फ्रॉम सरगोधा, शांजे सरगोधा गुलाब जामुन, ठीक है। अच्छा ये बताए सबसे पहला पाकिस्तान का सिक्का जो है वो कब जारी हुआ है बेटा? जी बताओगी आंटी अगले। ओके ठीक है, इंशाल्लाह आपको मैं अगले हफ्ते जो है कोशिश होगी मेरी गुलाब जामुन भी यहाँ पे बनाए जाए इंशाल्लाह, ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देख लें हमारे जो ये शामी हैं, शामी कुआब, शामी कुआब्स आर रेडी, ये देख लें
छः हैं और छः बंस हैं, और इसको हम जब आधा आधा करेंगे तो वो 12 बन जाएंगे। आधा आधा ही खाएं, क्योंकि ये पूरा खा के आपका वजन जो है वो आसमान से बातें करेगा, आसमानों से बातें करेगा, तो इसलिए कोशिश करें कि आधा खाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? राजा शौकत बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर, जिला दिनभर से। अच्छा राजा शौकत साहब फ्रॉम आजाद कश्मीर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना चाहेंगे आप? खैरियत से, कुछ दिन गायब थी आप प्रोग्राम से। क्या किया? कुछ दिन प्रोग्राम से गायब थी आप। कुछ दिन गायब थी मैं, इलेक्शन हो रहे थे ना प्रोग्राम से, वो दो दिन इलेक्शन थे ना, तो सिर्फ बुध का प्रोग्राम किया था, जुमेरा जुमा इलेक्शन थे, मैं भी जरा गई थी कराची अपना वोट कास्ट करने, तो और यहाँ पे हमारी लाइव ट्रांसमिशन थी इलेक्शन के हवाले से, तो इसलिए मॉर्निंग शो हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं राजा शौकत साहब? जबरदस्त जबरदस्त। तो ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब, कि पाकिस्तान में सबसे पहला सिक्का कब जारी हुआ? इस वक्त नजर नहीं, मेरा दिमाग सही, दिमाग नहीं चल रहा अभी अभी भी नाचता नहीं अभी सोचने का बताया नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने कहा आपने ये कहा कि भाई अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा, उसको मैं चलाऊंगा अभी, चलाना पड़ेगा, चाहे अभी पिए 10 मिनट हो जाए तो फिर चल जाता है दिमाग, अभी भी पिए। हाँ नहीं, अभी अभी आप नाश्ता वास्ता करेंगे, एंजॉय करेंगे, चाय शाय, फिर एकदम से भागेगा दिमाग, तो फिर मेरा मतलब होगा नहीं। चले एक वैसे कोई सन बता दें अगर है तो, मूड आपका इस टाइम। मैं चीजों पे यकीन नहीं रखता, तुक्के तुक्के मुझे नहीं अच्छे लगते। बहुत अच्छी बात, या लाइक मी लाइक ही अपनी सस्ती शोहरत के लिए तुक्के लगाने के लिए ये पसंद नहीं करता मैं। हाँ, सस्ती शोहरत तो वैसे भी बुरी होती है जी। अच्छा जी, ये बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं? मसलन फॉर एग्जांपल थोड़ा बता दें, किस क्या फील्ड के, किस फील्ड के, किस फील्ड के, मतलब नॉर्मल, मतलब जनरल जो इस वक्त महंगाई के बारे में चलने बोल रहे हैं। ओवरऑल एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात जो है क्रिएट हो गई है काफी अच्छे से जी जी, और आगे भी कोई अमीर की किरण नजर नहीं आ रही, जो सिनेरियो चल रहा है हमारे मुल्क का ग्राउंड रियलिटी है जी जी जी। इंतखाबात भी हो गए हैं, लोग हाथ लगाए बैठे थे इंतखाबात होंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जब तक जिस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा वहां माशी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो आपके सामने ही है, आपका सियासी प्रोग्राम नहीं है, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मुनासिब नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो बढ़ रहा है जी, मुझे कोई अच्छे हालात होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके मेरे ख्याल बहुत मिलते जुलते हैं, मेरा भी यही है कि हमने ये सोचा था। मैं इस चीज पे मुझे इतना ताजुब हुआ है, मैं इतना खुदा की कसम कह रहा हूँ, अल्फा कह रहा हूँ, मैं रात से इतना परेशान हूँ कि जब मैंने देखा है ना पाकिस्तान के एक गिरगट की तरह सियासदानों को रंग बदलते हुए, क्या कह रहे हैं सॉरी, रंग बदलते हुए सियासदानों को जब मैं देख रहा हूँ, कल जो एक मुलाकात हुई है शाम को जी जी, तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ कि ये लोग एक दूसरे के बारे में क्या क्या ख्यालात रखते थे, क्या क्या कहते थे, और कैसे ये एक प्लेटफॉर्म पर चले गए। हाँ देख लें, तो इन पॉलिटिशियन प्लीज थोड़ा टाइम मैंने ले लिया आपका, इन पॉलिटिशियन से हमारे गरीब आवाम क्या तवक्कात रख सकते हैं, अपने मकासद के लिए गरीबों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके लिए आसानियां पैदा करने के बजाय उनके लिए और मसाइल बढ़ जाते हैं। एक आम आदमी इस वक्त तो इतनी मुश्किल में है, वो बच्चों को पढ़ाए, घर के अखराजात पूरे करे, बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, क्या क्या करे, सही कह रहे हैं बिल्कुल, एब्सोल्युटली मुश्किल बना दी है। और पिछले 70-75 साल से हम यही सुन रहे हैं जी कि पिछलों ने किया है हम ठीक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक इकतदार में आता है दूसरे उसी दिन दूसरे दिन से शुरू कर देते हैं टांके फेंकना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सही, फिर कांपे टांगने, फिर कांपे टांगने शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है? ख्याल आपका मेरा काफी मिलता जुलता है। बहुत कुछ कहने को मेरे पास है, कोई फोरम हो तो किसी प्लेटफॉर्म से बात, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे शो पे, हमारे पॉलिटिकल शोज होते हैं ना उसमें आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, फिर आप बहुत बहुत
बहुत बातें करने को दिल करता है, इतने करने को करता है कि कर कर के मैं थकूं ना, बिल्कुल इतना मुझे लग रहा है। सही कह रहे हैं, जो हालात हैं इन पर बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा जी ओवरऑल अल्लाह ताला कर्म करे जी इस मुल्क पर, उम्मत मुस्लिमा पर, और देखे उधर क्या कर रहा है। किसी ने कभी फलस्तीन का भी नाम लिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें से किसी ने फलस्तीन का नाम लिया है? क्या लिया है? एक पॉलिटिशियन में से देखे, ये सियासत कर रहे हैं अपने मफादात की जी, फलस्तीन का कभी किसी ने जिक्र लिया? किसी ने नहीं किया फोरम पर, किसी ने नहीं किया। वहां पे जो हो रहा है अल्लाह माफ कर दे कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और इसका हिसाब हम सब अपनी अपनी जगह जरूर देंगे, ये बात है। इस्लाम के ठेकेदार जो है ये बनते हैं, वो लिबादा उड़ा हुआ है जी, लेकिन आंखें उधर से बंद किए हुए हैं। जो हमारे मासूम बच्चे, नामौलूद बच्चे आप देख रही हैं, मलबे में पड़े होते हैं जी, मलबे जी। से मिलते हैं वो लोग, उन्हें प्यारे एनजीओ के पास लेकर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी राय साहब अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा जरूर बात होगी। बहुत अच्छा लगा आपकी व्यूज सुन के, और नाज़रीन व्यूज होते हैं इंसान के, व्यूज सुनने चाहिए। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नाकदीन जो हैं और जो तजिया कार हैं उनके व्यूज़ होते हैं, उनको पॉलिटिक्स के बारे में पता होता है। नहीं, हर कोई अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, तो हर एक की बात तहमुल से सुननी चाहिए, ये उसके ऊपर हमला नहीं कर देना चाहिए। थैंक यू राज साहब फ्रॉम आज़ाद कश्मीर कॉल कर रहे थे। उनसे बात करते करते मैंने 6 अंडे डाले, उसमें लाल मिर्च थोड़ी सी, काली मिर्च, नमक और हरा धनिया और हरी मिर्च, ये देख लें। बाकी जब आप और ठेलों पे और इन जगहों पे अंडा शामी खाते हैं तो वो उस अंडे के अंदर कुछ भी नहीं डालते, जिसकी वजह से वो सही तरह पकाते भी नहीं है, और उसमें कभी कभी अंडा शामी में हीक आती है, हीक नहीं आनी चाहिए। सो मैं इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ये नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, इसमें हम डाल देंगे अपने सारे मिक्सचर को, और आपने इसको अभी हाथ नहीं लगाना, मतलब ये। और हमेशा जब भी आप अंडों वाला कुछ भी बर्तन यूज़ करते हैं उसको सबसे एंड में धोएं, पहले ना धोएं, क्योंकि ग्लासेस में और उसमें इतनी कोई बुरी स्मेल आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अब हमने ये जिस फ्राइंग पैन में, ये देखें ये अंडा शामी के बर्गर्स हैं ये, और इस तरीके से आपने एक तरफ से पूरे को नहीं काटना, ताकि एक तरफ से वो जमा रहे। इसको हमने, ये जो फ्राइंग पैन था इसी के अंदर जिसमें हमने कबाब को फ्राई किया था, इसमें हम इसको भी शामिल करके इसको थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा सा सेकेंगे, सेके बगैर मज़ा नहीं आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? साइमा बात कर रही हूँ, फ्रॉम फतेह जंग। फायजा फ्रॉम फतेह जंग, कैसी हैं फायजा आप? खैरियत से? साइमा बात कर रही हूँ मैं। साइमा, अच्छा सॉरी साइमा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगी? बस ये कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू। अच्छा, आप माशाल्लाह से लग भी बहुत अच्छी रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मैंने पहली दफा किसी भी टीवी शो में कॉल की है। अच्छा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू। तो पहली दफा आपने कॉल की है फतेह जंग में, तो मैं एक दफा बल्कि दो दफा गई हूँ वहाँ की, वहाँ होटलों में मछली बहुत मजे की मिलती है। हाँ जी, जबरदस्त है ना, क्या शहर है माशाल्लाह से जी, जबरदस्त। तो आपकी कोई फरमाइश है? आप हाय हाय, कॉल कट गई प्यारी सी साइमा की फ्रॉम फतेह जंग। साइमा दोबारा से कॉल कर लें अगर हो तो। ये देखे ना जी, सीख रहे हैं, बस इस तरह आपने सीखने हैं, इस तरह आपने इनको करना है, ये देख लें, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसी तरह हमने एक कर लिया, अब ये एंड ऑफ द डे ब्रेक हो जाएगा, इसलिए एक एक इसको आपने जो भी इसमें जो अंडा शामी सॉरी शामी कबाब आपने जिसमें फ्राई किया ना, उसमें जो तेल होगा उसी को आपने इस्तेमाल करना है, नया तेल ना डालें, क्योंकि ये देखें ना ये इतना बच गया है, तो इसको आपने यूज़ में लाएँ, ये नहीं कि आप नया साफ तेल यूज़ कर रहे हैं, इससे इसमें जो शामी कबाब का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा, सो वो आपके लिए ज़्यादा मज़े का होगा। ये देखें, ये हमारे ये हो चुके हैं, ये भी हो गया। अब आपने ऊपर का जो उसका टॉप है वो अलहदा रखना है, नीचे का बेस अलहदा रखना है, ये हो गए, और एक रह गया बस, इसको भी हम इसके अंदर वही शामी कबाब का जो तेल है वही डालेंगे।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से? आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ना। क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूंगी मुझे हाजी साहब का बहुत दुख हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बहुत 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 जबरदस्त इंसान थे वो। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे वो बहुत, और हम सब उनको हमेशा मिस करेंगे। बस बहुत ही मिस करते हैं हम उसको। मैं उनकी बातें सुनती रहती थी ना। मैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। अच्छा, मुजफ्फराबाद से? लवली लवली, जबरदस्त। तो चांद बीबी कौन? चांद बीबी। चांद बीबी, कितना प्यारा नाम है आपका, चांद बीबी। तो कैसी हैं चांद बीबी, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक हैं ना? आपकी अम्मी ठीक हैं? सब ठीक हैं? जी जी, सब ठीक ठाक, सब खैरियत, सब फर्स्ट क्लास। तो चांद बीबी, आप ज़ाहिर है हम सबको उनका बहुत दुख है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन 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 आमीन। सो आप कैसी हैं, कैसी तबीयत आपकी, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक, शुक्र अल्लाह पाक। मेरे पोते पोती आपकी बातें सुन रहे हैं, मेरे पास खड़े दो। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जरा बात करो आंटी से, जरा नहीं करती हूँ, तो शर्म आ गया, चली गई बाहर। ओहो, ये क्या हो गया? आप उनके दुआ करें उनके लिए। अच्छा, जरूर जरूर, इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं चांद बीबी के सबसे पहला सिक्का जो है वो कब जारी हुआ? मैं हमने अभी लगाया तो मुझे अभी आवाज आई, तो मैंने कॉल मिलाई, तो शुक्र अल्लाह पाक की मिल गई कॉल। मुझे नहीं पता इस बात का। नहीं पता आपको इस बात का? नहीं, कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा इस बात का, लेकिन प्रोग्राम के एंड में पता लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जिंदगी दे, इसी तरह हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश है आपकी चांद बीबी? ओह, चांदी भी चली गई। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अच्छा नाजीन, इनसे बात करते में अब ये जो अंडा शामी के जो बंज होते हैं, यानी बर्गर होता है, बर्गर लोकल बर्गर कहूँगी, उसका ये बेस है, टॉप उसका जो है वो मैंने उधर रख दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो है ट्रिकी एक मरला होता है, इसके अंदर आपने चमचा किधर गया ना जी? चमचे आजकल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। वेयर इज़ द चमचा? इधर ही था? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये नहीं था। अरे नाजीन, हमारे चमचे गायब हो गए, पता नहीं कौन उठा के ले गया। ये आपने लेना है केचप, इसको हमने इसके ऊपर, हाँ, इसमें आप ग्रीन चटनी अगर आपने घर में बनाई हुई है तो वो आप इसके ऊपर शामिल करें, और प्लीज़ एंड्स पे भी ज़रूर लगाया करें। ये नहीं कि बीच में लगा दिया, साइड बिल्कुल बर्गर, कुछ बर्गर और अंडा शामी की जो साइड्स होती हैं ना, वो बिल्कुल खुश्क होती हैं। हमने ये नहीं करना बिल्कुल भी, हमने एंड्स पे पहले लगाना है और बीच में बाद में। ये देख लें, बिल्कुल आपने कोटिंग A1 करनी है, ताकि एक बाइट में ड्राइनेस यानी खुशकी खुशी खुश्क निवाला ना हो। ये शामिल किया, चौथे को, चारों को कर लेते हैं इकट्ठे, ताकि आप लोगों को पता लगे कि चार बर्गर इकट्ठे कैसे बनेंगे। ये हमने इसके ऊपर डाला। आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, और इसमें मायोनेज़ जो है वो आपकी पसंद है, मैं नहीं डाल रही मायोनेज़। इसके ऊपर हम एक एक सलाद का पत्ता ऐसे रखेंगे। आजकल सलाद के पत्ते इस मौसम में आए हुए, जब गर्मियाँ होंगी तो बेशक आप सलाद पत्ता इसमें ना डालें। ये इस तरह करके हमने इस पर इस तरह आपने इसको असेंबल करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वेयर आर यू? कोई है हमारे साथ? कोई है? अच्छा, हेलो हेलो, जोर से बोलेंगी थोड़ा सा? सॉरी नाजिन, कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा ये देखें, हमने ऑमलेट को इस तरीके से बनाया है, ये देखें, टूट भी जाए तो डजेंट मैटर, ये देखें इस तरह बनाया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा नाजिन नमक तो चेक करना पड़ेगा। आय हाय हाय, ये हो गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर रखने टमाटर, एक दो, ये देखें जबरदस्त। ये अंडा शामी आपको जो नॉर्मल जगह है ना उधर नहीं मिलेगा, ये आपको फॉर श्योर, ये आप खुद बनाएंगे। ये देखें कितनी जल्दी बन भी गया,
ये हो गया, हाँ इस पे भी तीन आ जाएंगे, ये हो गया ये और ये और ये, हाँ 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 पूरे हो गए। ठीक है, अब हमने ये लेना है ऑमलेट, ऑमलेट को लेके आपने इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, ये तोड़ तोड़ के रफली चॉप करके आपने इसको रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन करना है, नहीं इस तरह आपने तोड़ना है इसको। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कीप द ऑमलेट ऑन टॉप ऑफ द अंडशामी। ये ले, ये हो गया, इसको आपने हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर दें। अब क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए, ये प्रेस हो गया, अब इसमें गोल गोल प्याज, आय हाय हाय हाय, ये देखें, ये डाले, ये डाले। एक कॉलर भी है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं गुड़िया बात कर रही हूँ, राजनपुर से। राजनपुर से गुड़िया, क्या हाल चाल है गुड़िया आपके? ठीक है आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और बर्गर बहुत मजे का बना रही हैं। अच्छा यार, वाकई कसम से मैं बता रही हूँ, इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो लग रहा है ना, जो यहाँ खुशबू फैली हुई है, उसका तो पता ही नहीं है आपको। आय हाय हाय, सही है वो आलू बिरयानी आपने ट्राई किए थे, बहुत मजे की बनी थी वो आलू बिरयानी। जी जी, शामी कबाब भूल ही गई, सॉरी गुड़िया, सारा कुछ लगा दिया और शामी कबाब कह रही वो पीछे पड़े हुए। नहीं मैं देख रही थी, मैंने कहा वो नहीं लगा रही, वो पता नहीं कब लगाने है, शायद ऊपर लेयर आएगी इसकी। मैं भी कह रही हूँ यार पीछे पड़े हुए, खैर नहीं बस अब इनको भोर देते हैं ऊपर, अच्छा शामी कबाब जरा बच जाएंगे दो तीन एक्स्ट्रा। ठीक है, आपकी कोई फरमाइश है? इसको अब आप ऐसे ऐसे करके लगाते हैं वो इसको। मैंने गुलाब जामुन की करनी थी, वो पहले किसी ने की हुई है, वो अगले हफ्ते बना दे। चारो गुड़िया, गुड़िया भी गुलाब जामुन, गुड़िया फ्रॉम राजनपुर। राजनपुर में अल्लाह बख्शे बाबा की कोई जमीनें थी, हमें पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गई वो, कब्जा कर लिया होगा किसी ने। आऊंगी इंशाल्लाह कभी राजनपुर, तो आपसे मुलाकात होगी। चले चले ठीक है, जरूर बिल्कुल जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, प्यारी सी हमारी गुड़िया ने, प्यारी नाजीन, आई एम सो सॉरी। चले इसको क्या करना था, अच्छा आप लोग अगर करेंगे ना, तो आपने जब जो बेस के ऊपर सॉस लगाया ना, उसके बाद आपने अंडा शामी और फिर उसके बाद ये सारी असेंबली, कोई बात नहीं मैंने ऐसे कर लिया। ये देखें तीन कबाब बच गए, अब देखें तीन कबाब बच अगर गए हैं तो तीन बर्गर, नहीं तीन कबाब बच गए तो तीन बर्गर और बन सकते हैं, इसको कहते हैं बचत हो गई। ये ले, अब आपने क्या करना है, फिर दोबारा से ऐसे प्रेस करना है इसको, ताकि चीजें नीचे गिरे ना, क्योंकि बर्गर में से अगर चीजें गिरती है ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे मरला होता है। अब आते हैं, हाय हाय हाय, ये चीजें साफ भी कर लें। हाँ कॉल करें जल्दी जल्दी 0514102357 पे, प्रेस कर लिया। अब इस पर थोड़ा सा सासू डालेंगे, सासू सास डाला, आय हाय ये तो बहुत ही मज़े का बन रहा है नाजिन। ये लेके लाइन बना दें इसको, जिस तरह तीर की तरह लाइन नहीं है वो इसके ऊपर आपने बना दी। दैट्स अबाउट इट, छुरी रखें इधर, प्लेटर को मैं सेट कर लूँ और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले दिखाते हैं आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? इरम बोल रही हूँ। इरम किस जगह से? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, कैसी हैं आप इरम, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी? बस आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी यार इस प्रोग्राम में दूसरी दफा कॉल है। अच्छा थैंक यू सो मच। बर्गर बना रही हैं ये आप घर में? देखें जो वो लोग अंडा शामी बनाते हैं ना, मुझे इतना पसंद नहीं आता, बहुत कम जगहों का। मामू बर्गर का अच्छा होता है, लेकिन ये कि फिर वहाँ पे मामू भी बन जाते हैं आप बहुत दफा। बहुत जबरदस्त है आपका प्रोग्राम, थैंक यू। मैं तो दिन को भी सुबह के टाइम भी देखती हूँ और रात को भी लाजमी देखती हूँ। अच्छा जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। इरम तो फरमाइश है, बस आपको देखते हैं और इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो इरम आज के सवाल का जवाब देंगी? सॉरी मैंने ना सवाल सुना नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे पहला सिक्का जो है वो कब जारी हुआ? पाकिस्तान में सबसे पहले सिक्का कब जारी हुआ? कब जारी हुआ? पता नहीं, जेन में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जेन में। चले आज आपके जेन को हम जेन में ले आएंगे।
इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? जी आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कुकिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारे से कमेंट्स का। कोशिश होती है मेरी कि आप लोगों के लिए इजी चीज़ें जो कि आप घर में इजीली बना सकें और उसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन अब हम कटिंग में आ रहे हैं, टाइम देखने दो। ऊफ माय गॉड, इसको हम दो नहीं करेंगे, दो भी करके दिखाती हूँ, तीन भी। तेज़ अच्छी छुरी होनी चाहिए। ये आपने ऊपर से पकड़ा और इसको ये लेके कट कर दिया, इसी तरह आपने इसको पकड़ा और इस तरीके से कट कर दिया। ये लिया आपने, ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े बड़े बर्गर खाने, आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपने ऊपर से इस तरह पकड़ना है और ये कट कर देना है, इस तरह ऊपर से आपने पकड़ना है और ये कट कर देना है। दैट्स हाउ इट शुड बी, ताकि हर कोई खा सके और मोटापा भी नहीं होगा और आपका मज़ा भी पूरा हो जाएगा। ये देख लें, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए नाजी, 12 बर्गर तो मैंने बना दिए हैं। मिनी बर्गर कहते हैं इनको, मिनी अंडा शामी। ये हो गया, ये हो गया, ये दो हमारे प्लेटर्स आराम से बन गए इससे, और इजी भी है। और इसको आपने ऐसे पकड़ा और ये इसको ऐसे पकड़ा, एंड दैट्स हाउ यू कट इट, यू नो। ये आ गया, हाय 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 नाज़रीन, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ द। बाकी जो प्याज बचे हैं वो आपने ऊपर गार्निशिंग के लिए इस तरीके से ऐड कर दिए, ठीक है? ये आप अपने घर में कोई आ रहा हो उसको भी बना दें, खर्चा कम करें। देखें कबाब 3 बच गए, इसका मतलब है कि इसमें 3 बर्गर और बन सकते हैं। वो तो मेरी बेध्यानी में मैंने नहीं डाले, वरना तो ये ऐसे ना होता। ओके, 3 हमारे ये बच गए, और अब आपने क्लीनिंग कर ली। दैट्स हाउ इट शुड बी कूल। आज रात को रिपीट में आप देख सकेंगे सेम रेसिपी। आई होप आयशा जो है रावलपिंडी से वो देख रही हैं। बर्गर्स में आपको जो ज़रा वेस्ट मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप के, वो मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ। ये जो है तरा अंडा शामी, हमारा लोकल बर्गर तैयार हो चुका है। और नाज़रीन अब आपको खा के जल्दी से बताना है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त हो चुका है। और आप कॉल से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप। अब आ जाते हैं, अब हमने अपने ग्लव्स उतार दिए और अब हम इसको खाएंगे और आपको मज़े उड़ाएंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज हमारे जो सुपर टैलेंटेड गेस्ट हैं वो आज तशरीफ़ लाए हैं, और आर्ट और इसके फ़न के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। इनकी पूरी इंस्टीट्यूट है फेस 7 बैरिया टाउन रावलपिंडी में, और उसके हवाले से भी बात करेंगे। सिद्धूज आर्ट गैलरी, इस पर जाके आप खूबसूरत फनपारे देख सकते हैं, और साथ साथ ये सिखाते भी हैं। इनकी स्टूडेंट जो है हमारे शो में आ चुकी हैं, यमुना, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत खताती करती हैं, तो खूब सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप भी जाके सीख सकते हैं। सिद्धूज आर्ट गैलरी, फेस 7 बैरिया टाउन रावलपिंडी। पेंटिंग्स और इतने इनके बड़े बड़े मुजस्मे होते हैं, स्कल्पचर्स, कि ये ला नहीं सके, लेकिन इनकी क्योंकि शोरील है उसमें आप देख सकेंगे। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त से आशिर सिद्धू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। नहीं, मोस्ट वेलकम। आशिर साहब, आपकी जो स्टूडेंट है बहुत खूबसूरत खताती उन्होंने की, हमारे पास आई हुई हैं, दो दफा आई हैं यमुना। अच्छा, और बड़ा जबरदस्त। उन्होंने कितना अरसा आपके साथ स्टडी किया? उन्होंने कुछ 4 साल। अच्छा, स्टडी किया वहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद फिर उन्होंने कैलीग्राफी स्टार्ट की। मेरे पास उन्होंने पेंटिंग और कैलीग्राफी की बेसिक्स वगैरह सीखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो फिर कैलीग्राफी उन्होंने काफी जगहों से सीखी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। खुशी होती है देख के। और अच्छा है कि इसी तरह जितने आर्टिस्ट हैं, जितने हमारी स्पेशली गैलरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें देख के तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अच्छी प्लांटेशन हो रही है आर्ट की फील्ड में। नहीं नहीं, वंडरफुल। अच्छा, मुझे आशिर ये बताएं कि माशाल्लाह से आप खुद मुजस्मा साज हैं और बहुत खूबसूरत, सुपर टैलेंटेड हैं। ये सफर का आगाज फाइन आर्ट्स में, कॉलेज में, स्कूल में, या आप शुरू से हमेशा बहुत आर्टिस्टिक होते थे?
अभी तक यही लगता है कि सफर के आगाज में ही है। वैसे तो 98 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जितना इसकी डेप्थ में जाते जा रहे हैं ना, तो यही लगता है कि अभी तक समुंदर के किनारे पे ही खड़े हैं। तो अच्छा जर्नी है, बड़ी अच्छी लाइफ है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। तो 98 में मैंने स्टार्ट कर लिया था सीखना। तो आपने किन से सीखा? बहुत से टीचर्स। आर्ट बेसिकली एक टीचर से नहीं सीखा जा सकता, तो इसके लिए बहुत से टीचर्स का एक्सपीरियंस जब तक आप गेन नहीं करते और उसमें फिर अपना आप इन्वॉल्व नहीं करते, तो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना मुश्किल है। तो मेरे जो मेन टीचर हैं, वैसे तो काफी टीचर से मैंने ट्रेनिंग सी, लेकिन जो मेन सर यूसुफ साहब हैं, यूसुफ सजाद साहब, तो वही मेरी यूनिवर्सिटी है। इस्लामाबाद होते हैं? जी, रावलपिंडी में होते हैं, सर यूसुफ सजाद। तो उनसे मेन मैंने ट्रेनिंग ली। और टीचर्स तो काफी हैं, लेकिन जो चीजों को देखना उन्होंने सिखाया है, तो किस तरीके से देखना है? तो इसलिए वो सारा क्रेडिट मैं उन्हें देता हूँ। तो बाकी उनसे कोशिश है कि अभी तक दुआएं ले रहे हैं, और आर्ट में दुआ का एलिमेंट जब अटैच हो जाता है, तो वो फिर आर्ट पीस में खुशबू ऐड हो जाती है, तो वो खुशबू फिर लोगों को खींच के लाती है। और आर्ट में अगर खुशबू नहीं है तो वो फिर एक अच्छा आर्ट पीस नहीं है। आर्ट पीस नहीं है। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। और आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन नाज़रीन क्योंकि इनके माशाल्लाह मुजस्मे इतने ह्यूज होते हैं कि यहाँ पे ला के डिस्प्ले करना मुश्किल था, तो इनकी शोरील है, वो चल के देखें कि इनका टैलेंट जो है वो अपनी ज़ुबानी खुद बोलता है। तो ये पूरा अंदर म्यूजियम है, ये तो बहुत कमाल का। और वो यूजली मैंने नोट किया कि बहुत हॉर्सेस जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी पेंटिंग्स और मुजस्मे जो है, बिकॉज आई थिंक वो आपको बड़ी एक शान और शौकत और उसकी एक बिल्कुल उसमें एक स्ट्रेंथ फील होती है लोगों को, एक पावर शो करते हैं। तो उसमें लेकिन डिपेंड करता है कि वो बने कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है उसमें क्या क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो फिर हर हॉर्स पेंट होके अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा आशिर, ये बताएं कि आप स्कल्पचर भी बनाते हैं, साथ में पेंटिंग्स भी करते हैं, साथ में आपने अभी मैंने देखा स्टिल लाइफ भी, बिल्कुल वो जो वायलिन जो है पड़ा हुआ है, नहीं चेलो है, चेलो है, चेलो है, तबला है, एग्जैक्टली। तो ये तो तीन मुख्तलिफ मीडियम्स है, तीनों आपने मतलब आप तो मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि कुछ अगर जो मुजस्मा साज होते हैं वो पेंटिंग में कम इंटरेस्ट लेते हैं, ये कैसे मैनेज आप करते हैं? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या करता हूँ, करके तो फिर मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे क्या क्या अता किया हुआ है। आर्ट एक अता है, तो जिसको जितना मिल जाए, बेशक, तो एक लाइट है, तो ये शुक्र है कि ऊपर वाले का मुझ पे बहुत करम है, तो इसीलिए एंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं इन तीनों में से आपको सबसे फेवरेट, टॉप थ्री में से 1, 2, 3 करके बताएं। मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? पेंटिंग का अलग टेस्ट है, तो इसका स्कल्पचर का अलग टेस्ट है, लेकिन इनको हम वो नहीं कर सकते, लेवल्स नहीं दे सकते। अच्छा तो, मुझे मैं क्योंकि खुद भी एक टाइम में करती थी और मुझे बड़ा इंस्पिरेशन है, मैं कहा दोबारा से मैं जो है जाके इनकी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करूं। मोस्ट वेलकम। और आपकी 4 डेज होती हैं? जी 4 डेज। 4 डेज इन अ वीक होती है इनकी। सिद्धूज आर्ट गैलरी, फेस 7, बैरिया टाउन, रावलपिंडी में जो है इसका पेज है कोई इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे है, siddhusgallery.official के नाम से, तो उसपे सारी डिटेल्स वगैरह है। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? स्टूडेंट्स ऑन एंड ऑफ कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन आजकल 70 के करीब आ रहे हैं। 70? जी 70। तो दैट मींस कि आपकी बहुत बड़ा हॉल जगह है। जी बिल्कुल, काफी स्पेस है हमारे पास, और इंडिविजुअली गाइड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस। ओके। हर स्टूडेंट को अलग से टाइम देते हैं, और शुक्र है कि सारे ही मैचलेस हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारी गैलरी से निकल रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और जिस देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। दैट्स वंडरफुल भाई, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू, जबरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर है, आपकी इजाजत से उनसे श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, मेरा आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह जबरदस्त। आपका ड्रेस बहुत जबरदस्त है, मेरा भी एक किस्सा हुआ करता था शादी का, तो वो मुझे याद आ गया कि मैंने भी इस तरह का कलर वेयर किया था, और वो भी सब था, तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आपके ऊपर सूट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो आपके गेस्ट आए हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम जी। जबरदस्त आपकी कलेक्शन अभी जितनी दिखाई है, बहुत 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 अच्छी थी माशाल्लाह।
देख कर खुश हो गए हम कि वाकई हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का आर्ट है और इस तरह के लोग हैं जो उस चीज को आगे लेके चल रहे हैं, बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन और हम सब के लिए कि हम बच्चों को जो है वो अगर इस तरफ आना चाहें तो उन्हें प्रमोट जरूर करें। थैंक यू, ये तो आपकी आर्ट के साथ मोहब्बत है, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आर्टिस्ट है। जी बिल्कुल, अपने यंग दौर में तो बहुत किया है जब टाइम होता था, अब तो है बच्चों में इतना बिजी हो गए कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रिएटिविटी में करती जबरदस्त थोड़ी सी जबरदस्त तो जबरदस्त माशाल्लाह। और मैं ये चाहूंगी कि आप बच्चों को या आने वाले जो दो हैं यंग जनरेशन उनके लिए भी कुछ बताएं कि अगर वो किस तरह इसको आगे लेके चलें और उनके लिए कोई रास्ता या किस तरह वो इसको आगे लेके चलें कि वो भी इस फील्ड में आना चाहें। और मिशी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी जी, 3rd January 1948 को पाकिस्तान का पहला सिक्का जारी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल, तालियां, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। बेस्ट ऑफ लक, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एसपी थी और इसको भी जरूर हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो है वो घर का बना हुआ प्यार मोहब्बत से अपने हाथों से सफाई के साथ आपको मिलता है तो उसे और ज्यादा अच्छा लग रहा था। वंडरफुल, मुझे पता है आप जरूर बहुत अच्छा बनाएंगी, नेक्स्ट वीक जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और बर्गर भी अगर इसके साथ नेक्स्ट कहीं शामिल कर लें तो वो भी लोगों के लिए जो वो आसानी हो जाएगी। कौन सी बर्गर? जिंग बर्गर। जिंगर बर्गर जी, जिंगर। ओके, इंशाल्लाह मैं अभी आपका लिख लेती हूँ। हमारा चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए और मेहमान के लिए भी आसान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमारा फ्रॉम मियांवाली नाजी, हमारी बड़ी रेगुलर सुपर इंटेलिजेंट हमारी कॉलर है, उनका बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू आर्ट, पाकिस्तान में आर्ट को फरोग हमेशा से मिला है, ऐसा नहीं है हम कह सकते कि इसको साइड लाइन, और बहुत सारे यूथ जो है वो इस फील्ड में हैं बहुत ज्यादा, और बल्कि रेशो बढ़ती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बिकॉज देखिए, एक तो होता है ना, हर एक का एप्टीट्यूड है, इसको इवन एज अ हॉबी अगर आप लेते हैं तो बहुत कमाल की, एज अ प्रोफेशन भी बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि आप अच्छी तरह सीखें। और मोस्टली वही लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू नहीं है, वही लोग हैं जो पहले सीखते नहीं है, तो एकदम से तो नहीं वो हो जाता कि आपको रातों रात हाई पे एक आपकी क्रिएट हो जाए और आप बहुत आपको फेम मिल जाए, तो उसके लिए एक जर्नी है, वो सफर तय करना ही है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जर्नी जी, हम चाह रहे होते हैं हमारी सोच जो पाकिस्तान में कि रातों रात बस हमें मसला ये है, सबसे बड़ा जर्नी से नहीं गुजरते। वो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कदर नहीं है आर्ट की, मुझे भी गैलरी में आते हैं विजिटर्स तो कहते हैं पाकिस्तान में लोग लेते हैं परचेज करते हैं, मैंने कहा क्वालिटी कौन नहीं लेना चाहेगा, नहीं लेते घरों में पेंटिंग कोशिश होती है। बिल्कुल, इतने अच्छे हमारे पाकिस्तान में मॉडल हाउसेज लग्जरी हाउसेज बन रहे हैं, इंटीरियर पे बहुत अच्छा आजकल वर्क किया जा रहा है, बिल्कुल तो पेंटिंग इंटीरियर का बहुत मेन पार्ट है। और फिर सेकेंडली देखिए होटल्स हैं जी, बिल्कुल गेस्ट हाउसेज है, मसला ये है कि आप क्वालिटी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि वो अपने आर्ट को इस तरह से थोड़ा सा देखें, एज अ क्रिटिक देखें, बिल्कुल कि अगर कोई मसला है तो क्यों है, क्यों है उस पर गौर करें, उसे अपने आर्ट को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। मैं खुद इसी जुस्तजू में रहता हूँ, रिसर्च वर्क करता रहता हूँ, अपना स्किल और पॉलिश करता रहता हूँ, और शुक्र है कि डिमांड और बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह। अच्छा आशिर, बहुत सारे जब लोग एक कंसंट्रेशन होती है एक आर्टिस्ट की, चाहे वो लिख रहे हैं चाहे वो पेंटिंग कर रहे हैं या तो आपकी कंसंट्रेशन में कोई चीजें हाईल होती है तो आपकी कंसंट्रेशन खराब होती है, या उस टाइम में आप कहते हैं मुझे अब दो घंटे तक या चार घंटे डिस्टर्ब नहीं करो? ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल का आप आर्ट वर्क कर रहे हैं। आर्टिस्ट कभी भी एक मूड में नहीं रहता, उसका मूड स्विंग होता रहता है ऑन एंड ऑफ, तो अगर वो एक ही मूड में है तो वो फिर अच्छा आर्टिस्ट है, वो एक्टिंग मोड पे लगा हुआ है। तो एक आर्टिस्ट ना ही हर टाइम क्रिएटिविटी के मूड में रहता है, ये भी गलत फहमी है कि वो हर टाइम अपनी वो इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ है, हर टाइम अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप पेंट क्या कर रहे हैं, आपका मूड कैसा है। बाकी एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है कि वो हर मूड में हर सिचुएशन में पेंट करे, चाहे वो खुश है, हाँ, वो ना खुश है, वो चीज उसकी मूड को एक साइड पे रख के,
अगर वो मूड में ही रहेगा ना कि मूड बनेगा तो पेंटिंग करेगा तो फिर बनेगी नहीं, फिर आर्ट हो गया। तो आर्ट जो कैनवस है ना उसे मूड से कोई लेना देना नहीं है। मैं कैनवस को, मैंने कलर्स को बड़े और तरीके से देखा है जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो लोग कैनवस के आगे बैठ के एक्टिंग शुरू हो जाते हैं, कैनवस को आपकी एक्टिंग से कोई गर्ज नहीं है। तो कैनवस के आगे जब भी बैठे हम्बल होके बैठे और बड़ी अच्छी नीयत के साथ। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कैनवस के आगे बैठता हूँ ना ईजल पे, तो मैं ऐसे ही पेंट करता हूँ कि पैलेट सेट होती है मेरी, तो वो मेरे लिए ऐसे ही जैसे मैं नमाज के लिए, इबादत के लिए अपना सारा जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहा हूँ। जैसे नमाज के लिए चाहिए होता है आपको मसल्ला, चाहिए होता है तस्बीह है, तो मेरे लिए आर्ट में ये कलर्स जो है ये मेरी इबादत का सामान है। तो आप अगर फर्ज के स्टिल लाइफ है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट भी है जिसमें आपने कुछ नहीं सोचा होता लेकिन आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, बिल्कुल वो वाला मीडियम बेसिकली आर्ट है ही, यही है कि आप रेफरेंस या पिक्चर के बगैर कुछ पेंट करें। जब तक आप फोटोग्राफ से नहीं हटते तो आप असल आर्ट जो है वो नहीं पेंट कर नहीं सकते। पेंट कर से। मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान में आपके टॉप जो माशाल्लाह बहुत टॉप के आर्टिस्ट गुजरे हैं, गुलजी हैं साथ में, असद कैन साहब, आपने खुद ही नाम ले लिए क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि उनका जो घर था हमारे, हम कराची में जहाँ थे काफी साल पहले, तो उनका दो घर छोड़ के उनका था, और बड़ी प्यारी शख्सियत थी बहुत। गुलजी साहब क्या ही बात है, वो इकबाल हुसैन भी थे जी, बिल्कुल इकबाल हुसैन। फिर एक और थे जमील नक्श साहब, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए पाकिस्तान के। एक अमजद परवेज, बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं। अगर हम वो शुरू कर दे लिस्ट खत्म नहीं होगी, टाइम खत्म होगी। जिनको आपको बहुत उनका काम पसंद है? वैसे तो मुझे अभी तक जो है मेरे सर यूसुफ, उनसे अच्छा मैंने आर्टिस्ट नहीं देखा। माशाल्लाह। तो इसीलिए ये नहीं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ तो मैं उनका कह रहा हूँ, मैंने बहुत इस पे वर्क करके मैं उनके पास गया। नहीं, अगर मैं ये पूछूं कि आप किन के फन पारे आप देखते हैं, आप कहते हैं वाह यार क्या मास्टरपीस। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ, अगर नाम किसी का मिस हो जाए तो वो फिर गलत होगा। अगर अभी रिसेंट की बात करें ना, तो अभी जो जैसे गुलजी साहब तो चले गए हुए हैं, असद कैन साहब बहुत बड़ा नाम हुए, जमील नक्श साहब बहुत बड़ा नाम हुए, तो अभी जो है रिसेंट उसमें एक्यू आरिफ साहब बहुत बड़ा नाम है, फिर और सलमान फारूकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम है ऐसे। कैलीग्राफी में बिन कलंदर बहुत अच्छा है। बिन कलंदर जी जी, ये वो लोग हैं जिनके अपने स्टाइल्स हैं और अपनी आइडेंटिटीज बनाई हुई है। तो आर्ट के लिए जरूरी है कि आपकी एक आइडेंटिटी हो। That's true. अच्छा, अगर मैं बाहर के मुल्कों मतलब वेस्टर्न आर्टिस्ट की बात करूं, उनमें आपको कौन इंस्पायर किया कभी, क्या वाओ क्या काम किया? बहुत तो बहुत बड़े बड़े नाम है और मैं जिन्हें फॉलो कर रहा हूं अभी जो है सीजर सेंटोस आजकल है, तो उनको मैं अच्छा फॉलो करता हूं। उनका काम, उनके काम से इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि बहुत खूबसूरत काम और बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। फिर डेविड लेफल हो गए, रेम्ब्रांड तो हर आर्टिस्ट के फेवरेट हैं, तो जितने पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं स्पेशली, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी हूँ तो रेम्ब्रांड तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। फिर डाविंची, उन्हें तो मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ डाविंची, तो माइकल एंजेलो हो गए। ये वो लोग हैं जिनका नाम ताहयात रहेगा क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर सीखा और क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस किया। और ये बल्कि माइकल एंजेलो की वो जो पेंटिंग थी द लास्ट सपर, डाविंची की है, डाविंची डाविंची की है लास्ट सपर सॉरी, ये उनकी लास्ट पेंटिंग थी, लास्ट पेंटिंग थी, कंप्लीट भी नहीं थे कर सके जी। तो ये जो है आई थिंक कान किससे अपना काट लिया, वो तो वैन गोग है, वैन गोग, विंसेंट वैन गोग जी जी, वो वैन गोग है। वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्होंने अपने साथ ही, पैशनेट तो थे लेकिन वो डिस्टर्ब भी काफी थे। आप स्टोरी आप देखें तो वो काफी वजूहात थी जिस वजह से उन्होंने ये किया, फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। बिल्कुल। तो अभी देखिए ना, इनकी ये जो डाविंची की एक और भी थी द सनफ्लावर्स, सनफ्लावर फील्ड, वो इन्हीं की थी, उनकी सनफ्लावर्स, उसके पोस्टर भी जी जी जो रेप्लिका है वो कितने महंगे बिकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा है, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं आर्ट की फील्ड में, और
पूरी दुनिया में इनका आर्ट पसंद किया जाता है और जाता है, और खुशी होती है कि हम पाकिस्तानी भी अपना रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं इस फील्ड में। अच्छा, आपके माशाल्लाह 70 स्टूडेंट्स हैं। नहीं, 70 तो आजकल आ रहे हैं, ये तो मैंने 8 सालों में पता नहीं कितने अभी एट द मोमेंट आपके इंस्टीट्यूट में। तो मैं अगर पूछूं, अगर उसमें से आपको लगता है कि आप फ्यूचर में दिस लेडी या जो जेंटलमैन है वो बहुत कमाल होगा, बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। देखिए राजीव, इतना आर्ट की फरोग के लिए क्या क्या काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और शुक्र है कि सारे बहुत पैशनेट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं और अच्छा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सारे, और खुशी होती है। ऑन दिस नॉट हमारे साथ आशीष सिद्धू मौजूद हैं, खूब सारी बातें कर रहे हैं, कंफ्यूजन भी हो गया है कुछ, लेकिन उसके ऊपर हम चाहेंगे एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद वापस आएंगे। आप लोग आशीष सिद्धू मौजूद हैं, हम खूब सारी बातें कर रहे थे और मैंने कहा कि आपको आपकी तवाजो भी की जाए। थैंक यू, एंटर हुआ तो अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने टेस्ट फील कर लिया था इसका। थैंक यू। अच्छा आशीष, पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर के हवाले से बताएं, लोग कुछ और बोल रहे थे, बट आई वॉन्ट कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है आर्ट का, और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में आर्टिस्टों ने ही आर्टिस्टों का काम खराब किया है। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है हर फील्ड में। अच्छा। हाँ, एक्टिंग में देख ले, पोएट्री में देख ले, म्यूजिक में देख ले। हाँ, तो हम ऐसे हमारे फाइन आर्ट्स में है। अच्छा, फाइन आर्ट्स में भी है? जी जी। ओह माय गॉड। तो आर्टिस्टों को चाहिए कि दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करे, उसे अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी ना कहे। अगर ये किस हवाले से, मुझे थोड़ा कोई एग्जांपल भी दें, ये लें। थैंक यू जी। ये खाया जाएगा अभी? बिल्कुल खाया जाएगा। बताए। उसमें मसला ये है कि अगर कोई एक स्टाइल में एक आर्टिस्ट काम कर रहा है, लेट्स सपोज एक आर्टिस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है या कंटेम्प्रेरी स्टाइल में वो पेंटिंग करता है, उसे अगर रियलिज्म नहीं पसंद, या रियलिज्म वाले को अगर कंटेम्प्रेरी नहीं पसंद, या स्कल्पचर वाले को कैलीग्राफी नहीं पसंद, या कैलीग्राफी वाले को स्कल्पचर नहीं पसंद, बिल्कुल, तो ये ना कहे कि ये फजूल है। हाँ, कि आप ये आर्ट नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल, दूसरे कर रहे हैं वो फजूल है। एक तो यहाँ हर आर्टिस्ट कहते हैं जो वो कर रहे हैं वो आर्ट है, दूसरा जो कर रहे हैं वो क्राफ्ट है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो आर्टिस्टों ने ही आर्टिस्टों का काम खराब किया हुआ है, और यही सबसे बड़ा मसला है। तो इसलिए आर्टिस्टों को चाहिए, रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और आप, हम सारे एक फैमिली की तरह हैं, आर्टिस्ट जितने हैं, तो फैमिली में जिस तरह हम अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, तो आर्टिस्टों को भी चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, और आर्ट एंजॉय करें, आर्ट एंजॉय करें। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई अगर फर्ज करे मॉडर्न आर्ट में बिलीव करता है तो कहेंगे कि जी ये क्लासिक वाले जो है ये नहीं अच्छे, या क्लासिक वाले कहेंगे ये मॉडर्न क्या है। तो ये बहुत बड़ा मसला है आर्ट, जो इस तरह आर्ट की फील्ड में भी ऐसा है, बहुत ज्यादा है। अब इतने डोमेन्स हैं, हर एक अपना टेस्ट है, तो हम किसी दूसरी डोमेन को गलत नहीं कह सकते। अगर कोई एक डिफरेंट मीडियम या डोमेन में काम कर रहा है तो वो अच्छा है, उसे उसमें एंजॉय करे, अगर उसमें उसमें ज्यादा वो प्लेयर फील करता है तो वो करे, लेकिन दूसरे को गलत ना कहे। हर डोमेन का एक अपना टेस्ट है। सही। जी जी। अच्छा मुझे आश्चर्य बताएं, अब क्योंकि जितने लोग हैं, बहुत सारे इसके लेडी लड़कियां लड़के इंटरेस्टेड होंगे आपकी क्लासेस अटेंड करने में, तो टाइमिंग्स आपके क्या होते हैं? हमारे 4 days a week क्लास होती है, मंडे टू थर्सडे, और 4:30 to 7 PM हमारी क्लास होती है इवनिंग में, 4:30 to 7, 6:30, ढाई घंटे की क्लास, ढाई घंटे की, ओके, ढाई घंटे। और ये के मंथली होती है? जी जी। तो ये होता है कि ऐसा कभी हुआ है कि किसी को अगर टाइम ना, तो वो खुद दूसरे टाइम में भी आ सकते हैं, अगर किसी को हो तो, ऐसा शाम में ना आ सके तो? नहीं, एक ही सेशन है हमारा। सेशन एक ही। हाँ हाँ। अब इज इट, इसके बाद कोई सर्टिफिकेशन या कुछ मिलती जी है? वो भी होता है, हमारा शॉर्ट कोर्स है वो 3 months का होता है, उसके बाद फिर हम सर्टिफिकेट देते हैं। ओके। तो अभी भी हमारी बस होने वाली है सर्टिफिकेट की जो हमारी सेरेमनी है, तो उसमें हम सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे। अच्छा, ओके। जी जी। अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे भी आपका सिद्धूज आर्ट गैलरी? जी, सिद्धूज गैलरी.official के नाम से। ओके। और फेसबुक पे? सब जगह। जी, सब जगह। बल्कि नाजीन आप ऐसा करें ना, ये सारी जगहों पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे सिद्धूज आर्ट गैलरी लिखेंगे
तो आपको सारी इनकी जो है साइट्स जो है वो पता लग जाएंगी। बिल्कुल। और अभी आपका कोर्स खत्म होने वाला है? नहीं, हमारा तो थ्रू आउट पूरा साल क्लासेस होती होता है ना, 3 महीने कंप्लीट हुए फिर हर एक का वो डिपेंड करता है ज्वाइन कब किया था। ज्वाइन कब? जी जी, ओके। तो हमारा ओपन होता है एडमिशन, किसी टाइम भी कोई ज्वाइन कर सकता है, वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, नहीं। तो नाजीन बड़ी अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लड़के लड़कियों इवन मैरिड लोग उनको भी सीखना चाहिए। आपकी तबीयत ज्यादा अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आप जाके प्लीज ये क्लासेस लें। मेरी कोशिश है, पहले भी मैंने कहा था लेकिन कोई ना कोई चीज हो जाती है उसकी वजह से मैं रह जाती हूँ। आप विजिट करें। नहीं, मैं आऊंगी इंशाल्लाह, जरूर आऊंगी। मोस्ट वेलकम। तो एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मैं आयशा बोल रही हूँ। जी जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आयशा बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? ठीक है मशीन? जी जी मैं ठीक ठाक हूँ। आयशा आप सुनाए, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा मैं ठीक हूँ। अब क्या कहना चाहोगे? आज बर्गर बहुत प्यारे बनाए, मतलब बहुत टेस्टी है, देखिए। प्यारे बनाए? अच्छा भाई, थैंक यू। रात को बनाना। आप हमारे गेस्ट बहुत अच्छे से प्यारे से आए हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ कहना चाहेंगी? उनकी शॉरीज भी बहुत अच्छी थी, मैंने देखी थी, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। चलो, आप लाहौर से बोल रही हैं आयशा? जी। ओके, कुछ सवाल है आपका इनसे पूछने के लिए? अच्छा, मेरी आपसे एक फरमाइश थी। फरमाइश बताएं। नहीं, सवाल तो कोई नहीं है इनसे, लेकिन मेरी इनसे एक फरमाइश थी। बोले, सुन रहे? क्या है बेटा? मेरी पिज्जा की फरमाइश है। आशिर से? जी नहीं, मेरी पिज्जा की फरमाइश है। पिज्जा की फरमाइश है वो। मैं तो पेंटिंग में बना सकता हूँ, आप ऐसे आपको बना के पिज्जा देंगे, देख के खुश होना। बेक आप ही करेंगे, पिज्जा तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको जरूर बना के बताएंगे। अच्छा एक बात है कि इंसान जो भी खाना हो जिसका बहुत जी 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 वो उसी की फरमाइश करेगा, बना के उसको देखता रहे, वजन भी नहीं बढ़ेगा आपका, दिल में खा भी लें। बिल्कुल ऐसे ही है। फूड की कभी आपने किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फेवरेट आपका मुजस्मे में जो आप कहते हैं सबसे पैशनेटली आप, वो किस लाइक किसी पर्सनालिटी का या हॉर्स का या किसका सबसे जो फेवरेट होता है आपका? वैसे तो कायद फेवरेट है स्कल्प्ट करने में, लेकिन हॉर्सेस अच्छे लगते हैं, और पेंटिंग में भी और स्कल्पचर में भी। और अभी लेटेस्ट आपका अगर मैं प्रोजेक्ट पूछू हायर लेवल पे, जैसे आपने कहा पार्लियामेंट हाउस, आईबेक्स अभी आईबेक्स पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। तो जी जी, अच्छा। वो एक मेरा काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पे अभी हम कर रहे हैं काम। तो अभी कोई ऐसी बिल्डिंग बनने वाली है जो जहाँ पे आपको पूरा एक मिला हो के सिनेरियो के इधर आप कुछ करें? जी जी, मैं नाम नहीं ले सकता। काफी जगह है जिनके लिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उनकी पार्लियामेंट हाउस। नहीं नहीं, उसके अलावा काफी है। अच्छा, वो नाम नहीं लेते? हाँ हाँ हाँ। अजी, अब तो मेरा ना तिश्ती की बढ़ गई, नाम नहीं लेते। प्रोग्राम के बाद पूछूंगी। आईबैक से समझ है, आईबैक्स है। आईबैक्स, ओके। आईबैक्स एक हमारे साथ कॉल है। नाजीन समझ गए हम लोग सारे, आईबैक्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अब आप ट्राई करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मिसी, हाउ आर यू? आई एम मावेश। मावेश हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक मिशी, मैंने आपको ये बताना था कि सिद्धू जो आपके साथ बैठे हैं, ही इज माय टीचर, ही इज वेरी नाइस, अमेजिंग, ही हैज मच मोर क्वालिटीज देन मी। आप भी, आपको आना चाहिए, मैंने भी इनको ज्वाइन किया हुआ है। और ही इज अ वेरी नाइस टीचर, अमेजिंग पर्सनालिटी, इनमें सारी वो क्वालिटीज हैं जो एक आर्ट टीचर में होनी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा है शायद। तो आप क्या, आप क्या पेंटिंग करती कर रही हैं कि आप कैलीग्राफी कर रही हैं? I'm much more interested in sculptures ना, तो इतना जबरदस्त अभी हमारी हुई थी, बहुत अच्छा हॉर्स स्कल्पचर आपने बनाया है मुझे। अच्छा, हॉर्स स्कल्पचर बनाया, वेरी नाइस, वेरी जबरदस्त। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त देख के इनको, तो आप दिल करता आप हर वक्त बुलाएं आप इनको सर को, तो माशाल्लाह से उन्होंने तो जो दहरिया में जान डाल दी है ना, जो डिफेंस है दहरिया में, लोग हर वक्त पूछते रहते थे हम कहाँ जाएं आर्ट सीखने के लिए, तो आर्ट का एक ट्रेंड इन्होंने डेवलप किया है जो यहाँ पर था ही नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, और स्पेशली इन एरियाज में तो था ही नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो
बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी मैंने पेंटिंग भी अभी मेरा अभी स्टार्ट किया मैंने भी जस्ट, और इनकी अभी हमारे रिसेंटली क्लासेस हुई थी, मार्वलस क्लासेस उन्होंने किए हैं वो हमें लाइव। उन्होंने एक्ट्रेनियम जिस तरह से एक टॉपिक दे दिया, उसको हमने पेंट करना है कैसे और क्या करना है, तो आई एम श्योर आप इन्हें जरूर ज्वाइन करेंगी, आपको करना चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट कोशिश करूंगी। पता नहीं है ये ना पहली दफा मैं कहीं ये बनाओ तो कुछ और ही बन जाए। नो इट्स ओके, आपको पहले स्केचिंग करनी पड़ेगी ना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। आप क्योंकि भी आपको पता है मैं वहाँ पर हूँ, आपको आना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। तो बहुत अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब नाजीन हमारे पास बच गए 2 मिनट। अच्छा। और 2 मिनट में अब आप पहले ये अच्छा। एक जरा खाएं। मैंने तो रख दिया दोबारा, मैंने कहा कैमरे के सामने खाया जाएगा, इतना खाया जाएगा कैमरे के बहुत टेस्टी है। क्या बात है, क्या कह रहे, बहुत टेस्टी है। अरे इतना टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊं। वाह, it was pleasure having you. Thank you. नाज़रीन कभी किसी होस्ट ने इतना मुंह नहीं खोला होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे। Thank you so much. You're really doing wonderful. Thank you. अच्छा सा पैगाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देना चाहेंगे आप? पैगाम आर्ट लवर्स के लिए ही दूंगा कि अच्छी तरह सीखें और आर्ट को एंजॉय करें, मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतें समेटें और किसी के लिए आप कोशिश करें कि ब्लेसिंग का बाइस बने आप किसी की लाइफ के लिए, तो बजाय कि आप किसी के लिए स्ट्रेस का बाइस बने तो अच्छा है कि उसके लिए आप ब्लेसिंग का बाइस बने। थैंक यू, थैंक यू सो मच आशिर सिद्धू, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। एंड जितने लोग हैं अभी भी आप लोग सिद्धूज आर्ट गैलरी टाइप करेंगे गूगल पे तो इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो इनकी जगह है जहाँ ये इतने लोगों को लड़के लड़कियों को सिखाते हैं, दैट इज फेस 7 बैरिया टाउन रावलपिंडी। और आप टाइप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक पिक्चर भी खींच लेते हैं। थैंक यू आशिर, थैंक यू सो मच। इधर आ जाएं हम लोग इकट्ठे, जरा गुड बाय करें। नाजीन बहुत बहुत ओ माय, कोई इट्स ओके, आज आ जाए। नाजीन इंजॉय कर रहे थे ये। अच्छा आपने आज अंडा शामी खाना है, अपना ख्याल रखना है। मैं सॉरी, माफ कीजिएगा नाजीन, कंपनी का फोन आ गया। अपना ख्याल रखे नाजीन, घर वालों का ख्याल रखे, मुल्क से प्यार करें। मैं आपसे मिलूंगी आने वाले बुध को। आज का जो रिपीट है रात में 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। सब टीम का, सबका, एंड वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑन द सेम हियर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।